हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। आज है 25 सितंबर और आज है पितृ मावस। आज के दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो बहुत दिनों से मुझे मौका मिल नहीं पा रहा था व्लॉग बनाने का। मैं सोच रहा था कि मतलब व्लॉगिंग करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँगा, पर यह कि मतलब कभी कुछ काम होता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, तो मैं शेयर कर नहीं पाता। पर आज एक तो पितृ मावस है, आज के दिन हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और आज संडे भी है, तो आज हमारे पास टाइम है, तो सोचा आप सबके साथ जुड़ूं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और नेहा किचन में तैयार कर रही है। आज आपको पता ही होगा कि खीर पूरी सब्जी ये सब पितरों के लिए हम निकालते हैं। तो चलो जाकर देखते हैं कि उसने क्या क्या बना दिया। हाँ भाई, क्या क्या तैयार कर दिया? खीर ऑलमोस्ट बन गई है, बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। okay. आलू शिमला मिर्च की सब्जी और आटा तैयार है, बस पूरियां तल। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखो हमारा सैम। सैम अपनी पीपी चला के दिखा दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये इस गाड़ी को घुमाता रहता है पूरे घर में। भागो, 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 चलो 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 चलो। ये देखो इस गाड़ी को पूरे दिन घुमाता रहता है, पूरे दिन उसको और कोई काम ही नहीं है। और एक ये मैडम है, ये तारक मेहता के बस व्यूज बढ़वाती रहती है, पूरे दिन बस तारक मेहता देखती है ये। एक ये है, मतलब जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ आ जाता है, कुछ भी करने नहीं देता, ना तो ब्लॉगिंग करने देता है, ना ही रील बनाने देता है। ये देखो मेरे पीछे पीछे लगा रहता है बस, और इसको कोई काम ही नहीं है। तो मैं जो जला चुका हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि मुझे जाना है सूर्य देव को जल देने। कंटिन्यू करते हैं बहुत जल्द। हेलो बोल दो। हेलो, इसको दही चाहिए जो मैं पंडित जी को दूंगी। बेटा ये पंडित जी के लिए। हेलो बोल दो। अच्छा दही चाहिए आपको? दही चाहिए, ये लो। फाइनली सब कुछ तैयार है। सब तैयार है, जो जो मम्मी ने बताया और मुझे पता है, मैं हर साल करती आ रही हूँ, तो अब सब रेडी है। बस ये पंखे के नीचे रखा है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और तब दिया जाए। ओए। तो मंदिर से पूजा पाठ करके मैं आ चुका हूँ। ये है खीर पूरी चाय और सब्जी। अचार खाएगा सम्राट, अचार खाएगा। देख आम का अचार। इसको कैसरोल के पीछे पड़ा है यार, इधर भी नहीं रहने दे रहा पूरी। तो हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने को खा लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी मिलते हैं, अगर ये ढंग से खाने देगा तो। हेलो, हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब एक मैंने रिंग लाइट मंगाई हुई थी, उसको ऑर्डर करे हो गए थे 3 दिन और अब वो लकीली रिसीव हुई है और उसको लेकर आ रहे हैं। देखो कौन आ जाओ। तो रील फैक्ट्री आ गई दीदी। मैंने ना गुरमीत से इसको जब खोलूंगी तो एक जो मेरे पास है, जिसको देखकर मुझे गुरमीत ने बहकाया हुआ था पिछले 2 साल से और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, वो और इसका साइज मैं पक्का कंपेयर करूंगी। वो तो रिंग स्टार्ट कर दो। तो अब हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मैं चाहता हूँ आपको दिखाना कि इसके अंदर मतलब क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया, ताकि अगर आप में से भी कोई इस चीज़ को ऑर्डर करे तो आपको पता रहे कि इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता। और क्वालिटी का तो खैर देखो चेक करने के बाद ही पता चलेगा जब ये रील बनाएगी अपनी मैडम जी। बाकी दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सैम क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे। ये अलग ही बजती रहती है। सैम धीरे प्यार से, प्यार से। हाँ प्यार से। वो आराम से। लाइट है डिजिटेक की, LED रिंग लाइट 18 इंच की। तो देखते हैं कि कैसी है लाइट। कितनी देर लगा रहे हो? अरे बस। ये है रिंग लाइट। गले में भी मत करो, मत करो, खराब हो जाएगी। चल रहा गले में गिर के इसमें चीजा फोटो खराब हो जाएगी। हाँ खराब हो जाएगी। बहुत मेहनत, 2 साल से मेहनत कर रही जब जाके मैंने ये मंगाई। अब अनादि वहाँ से पुराने वाली रिंग
रिंगलाइट उठा के लाना मेरी, मैं जरा लोगों को दिखा दूँ तो ये मुझे क्या ला के दिया था, और मैं बेचारी उसमें रील्स बना बना के अब तक रह रही थी। तो ये इसके साथ एक केबल आई है, और ये मोबाइल होल्डर जिसपे की मोबाइल को टक इन करके फिर हम रील्स बनाते हैं। दिखाओ ना, इसको इधर भी लगा सकते हैं ऐसे, पर ऐसे में कैसे, ऐसे अगर किसी का बड़ा हुआ है, ये बेसिकली उसके लिए भी, जो DSLR कैमरा होता है ना, DSLR कैमरा भी सकता है, ये DSLR कैमरा का माउंट है। इसको खांसी हो गई देखो। अरे क्या हुआ बेटा, बाकी एक इधर है, जैसे मोस्टली जो लोग रील्स बनाते हैं उनके लिए, तो ये ऐसे फिट हो जाएगा। ये देखो ये आधा ऐसे नहीं पता चलेगा, ये देखो बच्चू इसका, ठीक है। और इन्होंने मुझसे कहा था तेरे लिए ना सबसे बेस्ट रिंग लाइट लाया हूँ मैं। हाँ, तो जब सबसे बेस्ट थी शायद। और बात है कि अगर इंडोर शूट कर रहे हैं हम तो उसके लिए तो ये दिया हुआ है पावर प्लग, इसमें लग के और बोर्ड में लग के चालू हो जाएगा। अगर बाहर किसी को कहीं करना होता है जहाँ पे प्लग नहीं है, आउटडोर, तो ये दो बैटरीज के माउंट दिए हुए हैं, इनमें बैटरीज लगेंगी और राइट साइड चलेगी, शायद नहीं मतलब चलेगी, मैंने इसका इसमें मैनुअल में भी दिखाया हुआ है। पर बैटरीज इसके साथ आती नहीं है डब्बे में, वो हमें अलग से खरीदनी पड़ती है। ओके, ये है इसका सीन। बाकी अब आपको पता चलेगा जब नेहा रील डालेगी बना बना के कि इसकी क्वालिटी कैसी है, तो आपको वो भी पता चल जाएगी। नहीं, अभी हम इसको स्टैंड में एक बार लगा के जला के देखेंगे। चलो मोबाइल का, ओ बहुत अच्छा स्वागत हो चुका है रिंग लाइट का दोस्तों। फोन का भी नहीं टूटी नहीं है। माई गॉड, जैसे ही बड़े वाली लाइट को सेट कर रहे हैं ना, तो सम्राट इनको डिटो कॉपी कर रहा है और वैसे वैसी हरकतें कर रहा है कि जैसे ये भी इस छोटी लाइट को सेट कर रहा हो। देखो, देख पापा कर रहे, ओहो देख पापा भी ऐसे कर रहे हैं, देख सैम देखो पापा कैसे कर रहे हैं, देखो आप भी ऐसे कर दो, कर दो कर दो कर दो, देखो चांद में देख रहा है आपको ये अपने। टू एलियंस, टू एलियंस टुगेदर। ओहो देख 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 तेरे को कैसे देख रहा है। दिख ही नहीं रहा, बताओ रिंग गायब हो गया है, रिंग ही गायब हो गया, इट इज लुकिंग लाइक अ मून। मैं कर रहा हूँ सेट पूजा। तो ये जल रही है रिंग लाइट, और इसमें ये दो बटन दिए गए हैं, जिसमें एक है डिम करने का और इसको तेज करने का, यहाँ से बंद भी हो जाती है। ये देखो कितनी तेज हो गई, अभी इसकी बैक साइड से भी दिखाऊंगा आपको। दूसरा बटन है, जैसे अभी थोड़ी येलोइश हो रही है लाइट, ये पूरी वाइट हो जाएगी, मतलब ये प्योर वाइट हो गई। अब ये हो जाएगी थोड़ी सी येलोइश, तो ये दो बटन इसमें दिए हुए हैं। बाकी अब उसको चेक करते हैं बैक साइड से और लाइट ऑफ करके, और लाइट हो गई है ऑफ, और देखो चमक गई है। मैं अभी देखो कैसे कैसे चमकती जाएगी, देखो 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 देखो, अरे तो भूत ही बन गए दोनों। छोटी सी लागे दे रखी थी, उससे मैं इतनी यूज्ड हो चुकी हूं कि ये मुझे बहुत हार्श लग रही है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं कितना काला आ रहा हूँ अभी, और अब देखना मैं कैसा हो जाऊंगा। और अब इसको मिल गई एक बहुत अच्छी रिंग लाइट, अगर सम्राट इसे तोड़ ना दे तो। नहीं तोड़ेगा। मैं इसे संभाल के ना दूसरे वाले रूम में रखूंगी, और जब भी मैं रिंग रील्स बनाऊंगी तब मैं मेक श्योर करूंगी कि सम्राट सो गया हो, तो उससे कोई खतरा नहीं होगा, मैं आराम से बना सकती हूँ। बट अब मेरे मजे आ गए, अब मतलब अरे मैं तो अपने इस कैमरे से बहुत तगड़ी तगड़ी रील बना दूंगा। अब ये मेरी है। हाँ, छोटी के साथ स्ट्रगल करना कोई नहीं, हम तो छत पे खड़े होकर बना लेंगे, तो अब मतलब अच्छी रील्स आएंगी। और रिंग लाइट का भी पूरा रिव्यू दे दिया है, हालांकि हम वो नहीं है टेक्नीशियन, और जितना पता था उतना आपको बता दिया है। एटलीस्ट आपको थोड़ी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, अगर आप भी रिंग लाइट खरीदना चाह रहे हो तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। क्या नाम है इसका, डिजिटेक। हाँ 18 इंच, अगर आपके हस्बैंड्स ब्रदर्स फ्रेंड्स कोई भी आपको 8-7-5 इंच की लागे दे तो मत लेना। अब एक खतरा खड़ा हो चुका है, इसके आसपास ही मंडराता रहेगा पूरे टाइम, ये देखो। अब तुझे छोटी लाइट मिल तो गई, बड़ी लाइट का क्या करेगा तू? छोटी लाइट। हाँ भाई, दूर दूर रह इससे, इसके पास मत आ। देखो जितना दूर जाएंगे उतना ही पास आता रहेगा। दूर नहीं, नो जाए।
बाय।